आदाब। आज कुकटेन में हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बाजरे की खिचड़ी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर सर्दियों में हमारे राजस्थान में बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है, क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होती है। ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है। इसमें कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत बनती हैं और डायबिटीज़ का ख़तरा भी कम हो जाता है। बाजरा अस्थमे में भी बहुत फ़ायदा करता है। इसमें फाइबर बहुत होता है। अगर हम इसका बाजरे का इंटेक करते हैं तो हमारा पेट भरा भरा रहता है। इससे वजन भी कंट्रोल रहता है, ये डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है हमारे, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल भी करता है। आइए हम बनाते हैं बाजरे की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो बाजरा। इसमें हमने थोड़ा पानी छिड़क कर हमाम दस्ते में कूट लिया है। वैसे तो आजकल मार्केट में बाजरे की खिचड़ी कूटी हुई मिलती है, लेकिन हम तो घर पर ही इसको कूट कर बनाते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 1/2 किलो हमने लिए मूंग की छिलके वाली दाल। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 2.5 लीटर हमने पानी लिया है। इसको एक भगोने में हमने उबाल दिया है पानी को। पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, इसमें हम दाल डाल देंगे। टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे। बाजरा हम डालेंगे, ऐसे करके डालेंगे, आप देखिए, और चम्मच को हम रेगुलर हिलाते रहेंगे ताकि लम्स नहीं पड़े इसके अंदर। इसको हम रेगुलर हिलाते रहेंगे ताकि लम्स नहीं पड़े, और थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको पका लेंगे। ये देखिए, बाजरा और दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा गर्म पानी और डाल देंगे, करीब 1/2 लीटर। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको और ढककर करीब 1 घंटे स्लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे। ये देखिए, पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है, थोड़ा उबाल भी आ चुका है खिचड़ी में। अब हम इसको ढककर लो फ्लेम पे करीब 1 घंटे पका लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच में हमको इसको पकाना है। करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, हमने ढक्कन हटा दिया है। ये देखिए, बाजरे की खिचड़ी बनके तैयार है। अब हम इसको गर्मा गर्म एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसको आप देसी घी, गुड़ या दूध के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, ज़रूर बनाइए। देसी घी डाल देंगे हम। अगर आप इसको गुड़ से खाना चाहें, दूध से खाना चाहें, देसी घी से खाना चाहें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सभी के साथ में इसका। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार ज़रूर बनाइए बाजरे की खिचड़ी सर्दियों के अंदर। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।